नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे नीट और नेट में गड़बड़ी के बाद अब एमपीपीएससी परीक्षा से एक दिन पहले टेलीग्राम पर पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि 2500 रुपए में एक पेपर की बिक्री की जा रही है। साथ ही ग्रुप में भेजे गए QR कोड में पेमेंट करते ही प्रश्न पत्र भेजे जाने की भी बात कही जा रही है। वहीं कुछ स्क्रीनशॉट्स भी वायरल हो रहे हैं जिसमें खरीदी बिक्री की बात कही जा रही है। इस मामले में एमपीपीएससी अधिकारी डॉक्टर पंच भाई का कहना है कि परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र की जानकारी किसी को होती नहीं है। सोशल मीडिया पेपर लीक की जानकारी पूरी तरह से फर्जी है। इस कथित पेपर लीक की घटना पर बीजेपी विधायक भगवान दास अपनानी ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटना चिंताजनक है। कहीं भी पेपर लीक की घटना होती है तो कुछ लोग दोष दूसरों पर भी डालते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए कानून लाया गया है।